वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ग्लोबल हाइलाइट्स स्टेप बाय स्टेप। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, मैम आप हाइलाइट्स की वीडियो दिखाओ। मैंने बहुत सारी हाइलाइट्स की वीडियो आपसे शेयर की है। सो इस बार मैंने ग्लोबल हाइलाइट्स किया है। ग्लोबल हाइलाइट्स हम पूरे हेयर में कर सकते हैं एंड ये बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक सीखी है। तो अगर आप सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो किस तरह से ये वाला आप हेयर लुक दे सकते हो अपने क्लाइंट को या फिर हेयर मेकओवर, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे, मेरी कॉन्टेंट आपको पसंद आएंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दे रही हूँ। मैं यहाँ यूज़ करी स्ट्रिक्स की ब्लॉन्डर पाउडर, स्ट्रिक्स की डेवलपर 40 वॉल्यूम एंड मैं यूज़ करी लोरियल की ट्यूब, जो कि मैं आपको आगे शेड दिखाऊंगी। गाइस, आप ज़रूरी नहीं है ट्यूब स्ट्रिक्स ब्रांड की ही लोगे, आप दूसरी ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हो। सो आपको प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं ट्यूब दिखा रही हूँ आप लोग को। मैं यूज़ करी लोरियल मैजीरियल की ट्यूब 8.3, मुझे यही वाला कलर देना था। बट आज मैं आपको सबसे इजी वे में बता रही हूँ आपको क्या करना है। ब्लॉन्डर पाउडर को लेना है, आप देख लेना क्लाइंट के कितने लेंथ हैं। तो इनके हेयर अच्छे थे बट ना ठीक नहीं थे, तो मैं 5 स्पून लूँगी एंड इससे दूना मैं मिलाऊँगी इसमें डेवलपर को एंड इसी में मैं ट्यूब भी मिक्स कर दूँगी। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, पहले मैं प्री लाइटनिंग कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉन्डर एज ए प्री लाइटनिंग वर्क करता है और बाद में मैं कलर चढ़ाती हूँ। बट आज मैं तीनों को मिक्स कर दूँगी। तो ये जो मैं दे रही हूँ दूना दे रही हूँ, इस तरह से आप नाप लीजिएगा। आपको 10 स्पून देना है, यानी कि 5 वो, तो इसको आप 10 बार दोगे डेवलपर को इस तरह से। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं मैम रेशियो रेशियो, तो आप आज समझ गए होंगे 1:2 किस तरह से मैंने लिया है। सो ये रहा, मैंने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये टिप्स है आपके लिए। ऐसे तो मेरी क्लाइंट को जो कलर चाहिए था वो ब्लॉन्ड कलर चाहिए था, तो ये डायरेक्टली इससे भी आ जाता, बट मुझे गोल्डन लाइट ब्लॉन्ड देना था। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस ट्यूब को मैंने एक बार और यूज़ किया है, तो इसमें अब थोड़ी ही क्वांटिटी बची हुई थी, तो मैंने इसको मिक्स कर दिया है इस वाले मिक्सचर में। सो हमारा जो कलर आएगा ना परफेक्ट आ जाएगा, गोल्डन लाइट ब्लॉन्ड कलर। अभी कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, बाद में ये अच्छे से मिक्स हो जाने पर ना आपको नॉर्मल दिखेगा। तो सबसे पहले हेयर में शैम्पू कर देना है। मेरी क्लाइंट के हेयर में शैम्पू ऑलरेडी मैंने कर दी थी। उसके बाद ब्लो ड्राई कर देना है एंड आपको कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है शैम्पू के बाद। नेक्स्ट आपको सेक्शन को डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले क्राउन एरिया के पास निकालना है, ईयर ट्यूब वाले पार्ट्स में निकालना है एंड पीछे में 2 पार्ट्स करने हैं। सो गाइस, मैं आप लोग को जो हाइलाइट्स बता रही हूँ इसे हम ग्लोबल हाइलाइट्स बोलते हैं स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से। सो इसमें जो हमारे सेक्शन होंगे बहुत ही पतले पतले एंड नीट एंड क्लीन होंगे। आप अल्मोनियम फॉइल को कट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको नीचे से सेक्शन निकालना है। सेक्शन क्लिप की मदद से ही आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस तरह से आपको एक पोर्शन निकालना है। हम इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड जिस पार्ट्स में आप नहीं अप्लाई कर रहे हो क्रीम को आपको रख देना है। एंड आप पहले ही प्रोडक्ट को बना के रख लो, जैसे मिक्सचर को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अच्छे से मिक्स होने में। नेक्स्ट हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब मैं वेविंग निकालूंगी। आप ध्यान से देखो, कॉम की पीछे वाली पॉइंट से इस तरह से आपको हर एक हेयर के बीच बीच से निकालना है और गैप रहना चाहिए। आपको मैं भी हैंड में रखूंगी तो आपको दिख जाएगा। एंड आप ग्लव्स वेयर कर लीजिएगा क्योंकि ब्लॉन्डर पाउडर बहुत हार्ड होता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है वेविंग हमारा। नेक्स्ट हम अल्मोनियम फॉइल के रफ वाले पार्ट्स में कॉम को अटैच करेंगे। इसके ऊपर हम ब्लॉन्डर को लगाएंगे। आराम से होल्डिंग करना सीखिए। होल्डिंग अगर आप करना सीख जाओगे हाइलाइट्स में, इस तरह से होल्ड करना है, सर को नीचे करना है क्लाइंट के। नेक्स्ट इस तरह से होल्ड मैंने कर लिया। अब हम 1 इंच या 2 इंच छोड़ के अप्लाई करेंगे हमारा मिक्सचर। तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट में अप्लाई करना एंड आप टाइम देख लोगे, ये हमारे हेयर में एटलीस्ट 30 मिनट्स रहेगा। मैंने अपने क्लाइंट का 2 साल या 1.5 साल पहले यही वाला कलर किया था, तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। आप इनको मेरी क्लाइंट कम बोलो, ये मेरी रिलेटिव्स है, मेरी रिलेटिव में ये मामी लगती है। सो इस वजह से मैंने इनका हाइलाइट्स किया था। घर पे ही जाकर तभी मैंने किया था, मैंने शायद पार्लर तभी ओपन नहीं किया था, तो उनको बहुत पसंद आया था वो वाला कलर। ग्लोबल हाइलाइट्स मैंने किया था पिछले बार भी, तो इस बार भी उनको सेम वही चाहिए था। सो इस तरह से आप फिर से एक सेक्शन निकालोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे हेयर को एंड वेविंग एंड स्लाइस एंड वेविंग टेक्निक से आपको इस तरह से हेयर को निकालना है।
आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इजी आपको लग रहा होगा मेरे बताने का तरीका। आप कॉम क्या करो, इस तरह से ऊपर भी रख सकते हो, इससे क्या होता है आपका वर्क फास्ट हो जाएगा। इसको आप ज़्यादा देर नहीं रखोगे हेयर में, जैसे जैसे हमारे पीछे के हेयर होते जाएंगे आप चेक करते रहना। सो 30 to 40 minutes तो रहते हैं, और इसके ऊपर हम फिर से कोई कलर नहीं चढ़ाएंगे। जैसे आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, चाहे तो आप बाद में भी कर सकते थे, जैसे आप सिर्फ प्री लाइटनिंग कर देते और जो मैंने ट्यूब यूज़ किया है ना उसमें आप 20 वॉल्यूम मिला के भी कलर डिपॉजिट कर सकते थे। बट मैंने क्या बोला, क्लाइंट जैसा बोलते आपको वैसा करना, इनको यही कलर चाहिए था, परफेक्ट आ गया था कलर, इस वजह से मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप ऐसा समझो। और ये भी एक तरीका होता है हाइलाइट्स करने का। सो आई थिंक आपने कुछ नया सीखा होगा आज। सो आराम से देखिए, वेविंग इससे हम बोलते हैं जो हम निकालते हैं और वेव दिखता होगा आपको हर एक हेयर में। ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए गाइज, ऐसा नहीं मोटा मोटा आपको सेक्शन लेना है, ध्यान से। एंड ग्लव्स जरूर वेयर कर लीजिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये केमिकल्स, आपके हैंड में लग सकता है। एंड आप में से बहुत लोग मुझसे पूछोगे मैम हम 30 वॉल्यूम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर हेयर में मेहंदी है या फिर डाई है तो आप 30 का ना यूज़ करके 40 का करोगे, एंड प्योर वर्जिन हेयर है तो आप 30 का कर सकते हो। बट मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने 40 के साथ ही किया, क्योंकि ब्लॉन्ड कलर चाहिए था, तो ब्लॉन्ड ना आपको 40 के साथ ही आएगा, 40 वॉल्यूम के साथ। सो आप में से बहुत लोग थ्योरी देखना चाहते हो हाइलाइट्स की, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मार्च मंथ में मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट ब्यूटिशियन कोर्स की ही वीडियो सिखाऊँ, मेकअप भी सिखाऊँ, सबको सिखाऊँ। तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बोलिएगा अगर आपको थ्योरी देखना है। सो एक तरफ हमने 5 strip को लगाया है, इधर हमारे 5 strip कम्प्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। सो आराम से नीचे तक आपको मिक्सचर को अप्लाई करना है, ताकि हर एक हेयर में अच्छे से अप्लाई हो। अल्मोनियम फॉल को इस तरह से फोल्ड किया जाता है और दोनों साइड से। अब हम इस तरफ के कर रहे हैं, सेम हम इधर भी 5 strip को लगाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ स्टेप्स को, इस तरह से 2 parts में डिवाइड, इस तरह से वेविंग निकालेंगे हम, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। देन अल्मोनियम फॉल लेंगे, अल्मोनियम फॉल के रफ वाले पार्ट्स में हम अप्लाई करेंगे हमारे मिक्सचर को। नेक्स्ट हम इस तरह से रखेंगे एंड अच्छे से क्रीम को अप्लाई करेंगे। अल्मोनियम फॉल फोल्ड करने का भी तरीका होता है, इस तरह से फोल्ड करना है आपको और दोनों साइड से। देखो ध्यान से मैं वेविंग किस तरह से निकाल रही हूँ। इस वाले हाइलाइट्स को करने का तरीका बहुत इजी होता है, बहुत ही प्रोफेशनल नज़र आता है आपके क्लाइंट के हेयर, एंड बहुत अच्छे तरह से होता है। बस अगर आप बिगनर्स होंगे तो आपको होल्डिंग में टाइम लग सकती है, जैसे मैं होल्ड करती हूँ अल्मोनियम फॉल को, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ईजी होते। तो आप ध्यान से देखो, गाइस आप एक बात का ध्यान रखोगे, जब भी आप वेविंग निकालते हो और स्लाइस लेते हो हेयर की, वो मोटी नहीं लेनी है आपको, और जो आप वेविंग करते हो वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा आपको पार्ट्स लेना है। ये वाला हाइलाइट्स अगर आप गलत तरीका से करोगे तो आपके हाइलाइट्स बिगड़ सकते हैं, इस वजह से आपको ये सब ध्यान रखना है। तो हमारा दोनों तरफ हो चुका है कम्प्लीट ऑलमोस्ट, मैंने इधर भी 5 strip लगाए, उधर भी यानी 10 strip हमारे पीछे लग चुके हैं। अब हम आएंगे क्राउन एरिया वाले पार्ट्स पे। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ क्राउन एरिया करवाना है तो आप ये वाले पार्ट्स में हाइलाइट्स नहीं करके डायरेक्टली क्राउन एरिया वाले पार्ट्स में कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे भी सेम हम इसी तरह से हेयर को लेंगे और इसी तरह से स्लाइस लेंगे, उसमें फिर वेविंग करेंगे। बस आप ध्यान से देखो, और इसमें थोड़ा सा बेंड करना होगा क्लाइंट के सर को, थोड़ा सा पेन होता है 1 to 2 minutes के लिए अगर आप क्राउन एरिया के पास करते हो, बट यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्राउन वाला पार्ट है तो ये गंदा लग सकता है अगर आप एक जगह कलर को डिपॉजिट कर दोगे। सो नीट एंड क्लीन तरह से वर्क कीजिए। गाइस आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हो, मैम आपको फ्रंट में कितने चाहिए हाइलाइट्स? तो जैसे कि मेरी मामी को अच्छे खासे हाइलाइट्स चाहिए थे फ्रंट में, सो इस वजह से मैंने क्या मतलब मोटा मोटा सेक्शन नहीं लिया, थोड़ा पतला पतला सेक्शन लेके ही अच्छे से कर रही हूँ।
सो आप देख सकते हो, मुझे ऑलमोस्ट याद नहीं मैंने कितना स्ट्रिप लगाया है, बट आई थिंक 25 स्ट्रिप तो लग ही जाते हैं ग्लोबल हाइलाइट्स में। इनके हेयर तो थिन थे, ज़्यादा मोटे नहीं थे। अगर बहुत ज़्यादा मोटे हेयर है ना तो ऑलमोस्ट आपको 35 स्ट्रिप भी लग सकते हैं। एंड इसकी प्राइस आप पार्लर में कितनी लोगे, मुझसे तो बहुत लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। आप इसकी प्राइस 2500 या फिर 2000 या 1500 ले सकते हो, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग लोगे। मैं कभी 2000 लेती हूँ, मतलब क्लाइंट के हेयर पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रिप लगेंगे तो ऑफ कोर्स 2500, आप इतने लेंथ वाले हेयर में 1500 या 2000 ले सकते हो। और स्ट्रिक्स ब्रांड भी बहुत अच्छी है, इसकी ब्लॉन्डर पाउडर तो अमेजिंग होती है। मैंने वेला के भी यूज़ की है, बहुत सारे ब्रांड की यूज़ की है, बट मुझे लगता है स्ट्रिक्स से जल्दी हो जाता है हाइलाइट्स एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिलता है। जब मैं सीख रही थी ना पार्लर, मैंने इसी प्रोडक्ट को परचेज किया था और बहुत कुछ मैंने मतलब करते करते मैंने सीख लिया। सो आप भी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही फ्रेश होगा। अब हम आ रहे हैं, ये है ईयर ट्यूब वाला पार्ट्स, इसमें हम दो स्ट्रिप को लगाएंगे। सो गाइज, ऑलमोस्ट हमारा हाइलाइट्स कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगाते लगाते 25 मिनट्स लग चुके थे और मेरी स्टूडेंट्स अभी थे, मैं उनको भी थोड़ा सिखा रही थी, मतलब मेरे साथ रहती है, तो इस वजह से 25 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया नीचे वाले हेयर, तो ऑलमोस्ट कलर आ चुका था जो मुझे चाहिए था, गोल्डन कलर आप देख सकते हो। बट मैं 5 मिनट्स और रखूँगी, तो यानी कि इनके हेयर में 30 मिनट्स के अंदर ही कलर आ गए थे, ऊपर वाले हेयर में नहीं आया आप देख सकते हो, क्योंकि ये हमने अभी तुरंत लगाया था। तो मैं क्या बोलती हूँ, जब पीछे वाले हेयर हो जाए ना तो आप क्या करो, क्लाइंट को शैम्पू सेशन के बाद ले जाओ एंड पीछे वाले हेयर को वॉश करते जाओ। लास्ट में आपको शैम्पू ज़रूर करना है पूरे इंटायर हेयर में, एंड कंडीशनर भी आप कर सकते हो। सो आप देख सकते हो ऊपर में बिल्कुल कलर नहीं आए हैं। अगर आपका ब्लॉन्डर थोड़ा बच जाता है बाउल में तो आप इस तरह से मिक्स भी कर सकते हो ब्रश की मदद से। तो मैंने 30 मिनट से 35 मिनट्स रखा, उसके बाद मैंने शैम्पू स्टेशन पे मैं क्लाइंट को ले जाऊंगी एंड क्लीन कर दूंगी। पहले प्लेन वाटर से मैंने नीचे वाले कर दिए और मैंने क्राउन एरिया वाले पार्ट्स को छोड़ दिया, कम से कम 10 मिनट्स के लिए मैंने और छोड़ दिया था। ये वाला प्रोसेस आप शैम्पू स्टेशन पे कर सकते हो। इसके बाद शैम्पू हो गया था एंड कंडीशनर कर दिया था, वो वाला पार्ट्स मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा भीड़ था पार्लर में, मुझे अंदर जाना था इस वजह से। तो उसके बाद हो गया, आप देख सकते हो टॉवल ड्राई करना है, देन आपको ब्लो ड्राई करना है, सीरम आपको अप्लाई कर देना है और फाइनल रिजल्ट आप देखोगे अमेजिंग आया है। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हो, मैंने भी लास्ट में आयरन कर दिया है। एंड मैंने ना अपनी मामी का हेयर कट पहले ही कर दिया था, बट इनको थोड़ा और लेंथ छोटा करवाना था, इनका कहना था कि मुझे इतने लंबे नहीं रखने हैं, तो इस वजह से ना हाइलाइट्स होने के बाद मैंने थोड़े थोड़े और इनके हेयर कट्स के लेयर्स मैंने दिया, तो नीचे से थोड़े बहुत हाइलाइट्स मतलब कट हो गए थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा मैंने लेंथ नहीं कट किया था। इस वजह से अभी आपको लॉन्ग हेयर लगेंगे और इसके बाद मैंने कट कर दिया था हेयर को स्ट्रेट करने के बाद थोड़े से, क्योंकि इनको नहीं इतने लंबे हेयर चाहिए था इस वजह से, तो लिटिल बिट मैंने बस कट किया था, क्योंकि हाइलाइट्स तो हमारा ऊपर की ओर किया हुआ ज़्यादा, तो घबराने वाली बात नहीं, अगर आप कट भी नीचे से कर दोगे तो हाइलाइट्स जाता नहीं है। सो आयरन करने से फिनिशिंग नज़र आता है आपके हाइलाइट्स में एंड रिजल्ट भी अमेजिंग आता है। अब देखो आप, मैं पैडल ब्रश की मदद से कॉम कर रही थी एंड फाइनल रिजल्ट देखो, मैंने कट भी हेयर को कर दिया है। सो आप देख सकते हो कितने अमेजिंग लग रहा है रिजल्ट गाइज, ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था और इनके हेयर ना बिल्कुल भी रफ नज़र नहीं आ रहे थे जैसे ब्लॉन्डर में नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने ट्यूब मिक्स कर दिया था और ये इनकी बेबी है। सो आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो क्या करो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, और जो लोग डिसलाइक करते हैं मुझे ये नहीं समझ आता है कि अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है तो आप कमेंट कर दो, बट डिसलाइक क्यों करते हो, किसी की मेहनत के मतलब किसी की मेहनत होती है गाइस, तो आप प्लीज़ डिसलाइक मत करो, बुरा लगता है जब लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं।
एंड बहुत लोग तो आजकल नेगेटिव कमेंट भी मुझे बहुत करते हैं, मतलब कुछ भी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मैं नहीं पसंद हूँ तो आप मेरे वीडियोस को मत दिखा करो, स्किप कर दिया करो, बट नेगेटिव कमेंट मत किया करो। मुझे नहीं पसंद है, मैं किसी के वीडियोस के नीचे जाके नेगेटिव कमेंट नहीं करती हूँ, तो मुझे भी नहीं पसंद है कोई मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करें। सो, अगर आपको मेरे में कुछ कमी लग रही हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। आप कुछ मुझे प्यार से बोल सकते हो, बट बहुत ऐसे लोग हैं कुछ भी लिख देते हैं, तो आई थिंक ये गलत है, क्योंकि आपको सोचना चाहिए किसी की मेहनत है एक वीडियो के पीछे। सो, बहुत कुछ मैंने बोल दिया। सो, ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए नहीं था, तो आप लोग प्लीज़ निगेटिव में मत लीजिएगा। बस जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग के ही वजह से मैं इतने अच्छे और हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए बनाती हूँ। और मुझे मन भी करता है कि मैं आप लोगों को हर तरह की नॉलेज दूँ जो मुझे है। और घर बैठे अगर आप पार्लर खोलने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप खोल सकते हो मुझसे इंस्पायर होकर। सो, फाइनली इसलिए यही है, उम्मीद करती हूँ पसंद आ गया होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है, एंड उसके बगल में एक बेल आइकन रहता है, जब सब्सक्राइब करते हो उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई फ्यूचर वीडियो आप लोग से मिस नहीं हो। बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।